हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द गुरुकुल में। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम चैप्टर के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ फार्मूले स्टडी कर लेंगे। तो याद रखिए, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये दो कॉन्सेप्ट्स बोर्ड एंड स्ट्रीम्स में आएंगे। ओके, तो जब भी आप अपोजिट टू द फ्लो मीन्स पानी के प्रवाह के विरुद्ध आप जब भी तैरते हो तब उसे अपस्ट्रीम कहते हैं, एंड जब आप पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप तैरोगे तो उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ओके, सो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, यू माइनस वी किलोमीटर्स पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, कुछ भी आप कन्वर्ट कर ले सकते हैं। वेयर यू इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, यू क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, एंड वी इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, वी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ओके ओके, एंड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मैंने क्या बोला था, अलॉन्ग विद द फ्लो स्ट्रीम। सो यू इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर एंड वी इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यू इज द स्पीड ऑफ द मैन, या फिर हमारे स्पीड को यू बोलेंगे और वी को जो पानी की स्पीड है उसे वी बोलेंगे। ओके, सो ये हो गया अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला। अब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, जब पानी बह नहीं रहा है, जब पानी स्टील है एक ही जगह पर है, तब उस समय बोट की स्पीड क्या होगी या फिर हमारी स्पीड क्या होगी, तो तब क्या आएगा, हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड कर देंगे तो बोट ऑफ दिस स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर आ जाएगा। ओके, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम उस समय क्या आएगा, हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। ओके, कुछ नहीं कहा, जस्ट ये तीन चार फॉर्मूले है, तीन चार भी नहीं, दो ही फार्मूले, दो तीन ही फार्मूले बोलना पड़ेगा क्योंकि ये तो फार्मूले भी नहीं है, दो तीन ही फार्मूले, इनको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। सो एंड फाइनली एवरेज स्पीड ऑफ द बोट क्या आएगा, अप स्ट्रीम स्पीड इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड, ओके, अपॉन बोट स्पीड इन स्टील वाटर, बोट ऑफ द स्पीड इन स्टील वाटर ये रहा। ओके, मीन्स अप स्ट्रीम का स्पीड इंटू डाउन स्ट्रीम का स्पीड, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड ऑफ द बोट निकल जाएगा। ओके, सो चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब क्या दिया है क्वेश्चन उनमें, इफ़ अ मैन कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 2 किलोमीटर पर आवर हिज स्पीड इन स्टील वाटर, मतलब कि उसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम में है 2 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड इन स्टील वाटर क्या निकालना है, और ये रहे चार ऑप्शंस। सो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, स्पीड इन द स्टील वाटर हमने अभी देखा था, फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, सो हाफ इंटू अपस्ट्रीम इज 2, डाउन स्ट्रीम इज 6, सो 6 प्लस 2 8, 8 बाय 2 4। ओके, सो आंसर इज 4 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2, अ मैन कैन रो अ बोट एट 10 किलोमीटर्स पर आवर, ओके, इन स्टील वाटर, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 km/h, स्ट्रीम की स्पीड है 6 km/h, द टाइम टेकन टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, मीन्स यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया है और निकालना है, एक सेकंड। सो अब क्या हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन टू रो डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स डाउन द स्ट्रीम। ओके, सो करना क्या, ये रहे चार ऑप्शंस। सो हमें दिया क्या है, अ मैन स्टील वाटर में 10 km/h स्पीड है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया है 6 km/h, टाइम निकालना है एंड डिस्टेंस कवर्ड इज 80 किलोमीटर्स। सो अब क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ओके, डाउन स्ट्रीम का स्पीड यानी क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ द बोट और मैन, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 10 है, मीन स्पीड ऑफ द बोट 10 है एंड स्ट्रीम का 6 है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 प्लस 6 16 किलोमीटर्स पर आवर। सो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकल जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, सो डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर्स एंड वेलोसिटी कितना है, 16 km/h, डिस्टेंस एंड टाइम मीन्स डी बाई वी, टाइम इज इक्वल टू, ओके, सो 80 बाय 60 विच इज इक्वल टू 5 आवर्स, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन सी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, अ मैन कैन रो 13 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, ओके, इन 5 आवर्स एंड 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, टाइम सेम है, जस्ट जो डिस्टेंस है वो अलग है, द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की वेलोसिटी निकालनी है, और ये रहे चार ऑप्शंस। तो क्या करना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम गिवन क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस बाय टाइम, सो 13/5 विच इज 13/5 km/h, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का क्या है, 28/5 आएगा, सो 28/5 km/h,
एंड फाइनली वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्या आएगा, हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। इनिशियली हमने जो फार्मूलेज देखे थे ना उसमें इसका भी फार्मूला है, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम क्या आएगा, हाफ ऑफ अप डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड विच इज़ फाइनली 1.5, क्योंकि 28 माइनस 13 करेगा तो कितना आएगा 15, 15 बाय 5 मीन्स 3, सो एंड फाइनली 3/2 विच इज़ 1.5 के एम पी एस, सो विच इज़ आवर फाइनल आंसर, सो विच इज़ ऑप्शन ए। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, उतने भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फंक्शनल ग्रोथ 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है, टेकिंग 3 आवर्स इस टाइम, 3 आवर्स दोनों भी टाइम लगेगा, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, फिर से वही 4 ऑप्शंस गिवन है, सो रेट ऑफ अपस्ट्रीम मीन्स वेलोसिटी कितना है अपस्ट्रीम का 15/3 मीन्स 5 km/h एंड डाउनस्ट्रीम का 21/3 मीन्स 7 km/h। याद रखिए दोस्तों, हमेशा डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में हम बोट का और फ्लो का वेलोसिटी ऐड करते हैं एंड अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, सो 5 एंड 7 km/h आ गया, सो फाइनली स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या आएगा, हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, सो हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम इज 7, अप स्ट्रीम इज 5, सो 7 - 5 = 2 एंड 2/2 = 1, सो विच इज 1 km/h विच इज़ ऑप्शन ए, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 15 km/h, स्टील वाटर में स्पीड दिया है एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 km/h, फ्लो का रेट दिया है, द डिस्टेंस ट्रैवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स, टाइम दिया है तो डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो ये रहे 4 ऑप्शन, तो क्या है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मीन्स क्या है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम आता है, सो 15 इज स्पीड ऑफ बोट एंड करंट, करंट का रेट क्या है 3 km/h, करंट मीन्स पानी या फिर बहाव जिसका भी हो, सो 15 + 3 = 18, ओके 18 km/h स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया है, वेलोसिटी पता है, सो फाइनली डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, विच इज़ सो विच इज वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, वेलोसिटी इज 18 km/h एंड 12 मिनट्स, मिनट्स को हम क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी किलोमीटर्स पर आवर है, तो ये इस आवर के लिए इसे भी हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे, सो विच इज़ 12/60, सो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 12/5 = 60 एंड 18/5 मीन्स 3.6, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज़ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था गाइस, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वहाँ पर मेंशन कीजिए, हम आपकी क्वेरीज का बिल्कुल टाइम मिलते हैं आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि गाइस अगर आप शेयर करेंगे तो ही हमारे चैनल का ग्रोथ होगा और फिर हमें यही तो हमारे लिए मोटिवेशन होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो आपके लिए बनाएं, एंड हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है कि जिस वीडियो को ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे वो आपको रिकमेंड होगा। ओके, सो अगर आपको हमारे चैनल से कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो लाइक करने में कुछ जाता नहीं है हमारा भी, एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए कीजिए। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।